हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें डर का मुकाबला करना है, अगर हमें डर को पराजित करना है, अपने से दूर करना है, तो हमें नेगेटिव इमेजिनेशन से बचना पड़ेगा। नेगेटिव इमेजिनेशन से अगर हमें बचना है तो नेगेटिव इमेजिनेशन डिपेंड करता है नेगेटिव परसेप्शन के ऊपर। तो हमें परसेप्शन को अपने करेक्ट करना पड़ेगा। परसेप्शन को हम कैसे करेक्ट करें, ये डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर कि हम क्या विश्वास करते हैं, हम क्या मानते हैं, हम किन चीज़ों को सही मानते हैं, किन चीज़ों को गलत मानते हैं। ये जो हमारा मानने का जो बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम पैदा करता है हमारे परसेप्शन को। परसेप्शन हमारा नेगेटिव इमेजिनेशन क्रिएट करता है, और नेगेटिव इमेजिनेशन है वो हमारे अंदर फियर पैदा करता है। अगर बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है तो परसेप्शन नेगेटिव होगा, परसेप्शन नेगेटिव हुआ तो हमारा जो इमेजिनेशन है वो नेगेटिव होगा और उससे फियर पैदा होता है। अगर बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो हमारा परसेप्शन पॉजिटिव होगा, हर घटना के अंदर हम चीजों को अच्छे वे में देखेंगे, हमारा परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण है वो बेहतरीन होगा। और अगर हमारा दृष्टिकोण बेहतरीन है तो जो इमेजिनेशन होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इमेजिनेशन है तो हमें डर नहीं लगेगा, हम डर से हमेशा दूर रहेंगे। तो यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको कैसे बदलें, उस बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है तो हम इसको चेंज करना भी सीख जाएंगे। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो एकदम ब्लैंक होता है, उसका किसी से रिलेटेड कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। वो अपने एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेना शुरू करता है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से उसको जानकारियां मिलती है। ये जानकारी, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो फाइव सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर जाती है, हमारी आंखों के थ्रू, हमारे कानों के थ्रू जो ऑडिटरी सेंसेशंस है, हमारे जो टेक्टाइल टच के थ्रू, स्पर्श के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है, स्मेल के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है, और टेस्ट, मुंह में जो टेस्ट आता है चीज़ों का, उस टेस्ट के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो तो आप देखोगे कि उसके अंदर हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटीज होती है। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लेने के मूड में होता है, वो रिसेप्टिव मोड में होता है। ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे उसके ब्रेन में जाती है, इन इन्फॉर्मेशन की बार बार प्रैक्टिस होती है। जैसे जैसे इन इन्फॉर्मेशन की प्रैक्टिस होती जाती है, इन इन्फॉर्मेशन की हैबिट बनती जाती है, और जैसी हैबिट बन जाती है, यही हैबिट्स हमारे बिलीफ सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। जैसे हमारे जो बिलीफ्स है वो हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए अलग अलग, मेंबर्स के लिए अलग अलग है। पेरेंट्स जो हमारे पापा है उनके लिए अलग बिलीफ सिस्टम होता है, मदर के लिए अलग बिलीफ सिस्टम होता है, हमारे ब्रदर सिस्टर जो भी हमारे स्पाउस है उन सब के लिए हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। हम उनके बारे में कुछ चीज़ों को मानते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं मानते। अगर हम इन चीज़ों को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हम बचपन से उन सब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन बार बार हमारे ब्रेन में जा रही है, तो जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, हर दिन इस इन्फॉर्मेशन का हमारे ब्रेन में रोटेशन होता है। जैसे जैसे इसका रोटेशन होता है तो इस इन्फॉर्मेशन की प्रैक्टिस होती जाती है, और जैसी प्रैक्टिस होती है हमारी उन सब मेंबर्स से रिलेटेड कुछ हैबिट्स बन जाती है, कुछ थॉट्स की हैबिट बन जाती है। जैसी हमारी थॉट्स की हैबिट बनती है वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम ये समझ गए कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बना, तो हम ये समझते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज कैसे किया जाए। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है वो कैसे बना, हमारे ब्रेन के अंदर हमारे इन फाइव सेंसेस के थ्रू नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जा रही थी, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बार बार ब्रेन में रोटेट हो रही थी, ब्रेन में बार बार रोटेशन होने से उसकी प्रैक्टिस हो रही थी, जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस हो रही थी तो उसके कारण नेगेटिव हैबिट्स बन रही थी, और नेगेटिव हैबिट से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारा बना। अब हम चाहते हैं कि हमारा पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बने, तो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम एनवायरमेंट से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। अब ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हम जिन फ्रेंड्स की हमारी लिस्ट है उसमें जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, उन फ्रेंड्स के साथ हम रहें, पॉजिटिव बुक्स को पढ़ें, जहां पर भी पॉजिटिव अच्छा थॉट मिल रहा है उस थॉट को समझने का प्रयास करें, कोई भी कहीं पे भी कोई भी घटना हो रही है उस घटना के ऊपर जजमेंटल ना बने, उस घटना से रिलेटेड जो राइट फैक्ट्स है, जो रियल फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करें, उन फैक्ट्स के अंदर अपना खुद का जो ओपिनियन है वो डालने से बचे, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाएगी, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाएगी। जैसे जैसे हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को
लेते जाएंगे, धीरे धीरे ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर रोटेट होने लग जाएगी। जैसे जैसे ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रोटेट होगी, वैसे वैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी उस प्रैक्टिस से हमारी पॉजिटिव हैबिट्स बनेगी और हमारा बिलीफ सिस्टम है वो भी पॉजिटिव बनेगा। दोस्तों एक बार अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव बन गया तो इस पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से जो परसेप्शन क्रिएट होगा वो परसेप्शन भी आपका पॉजिटिव होगा। आप अगर देखना चाहो, इसको टेस्ट करना चाहो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आपने कुछ ओपिनियंस बना रखी है, कुछ आपने मान रखा है उनके बारे में। अगर आपने किसी को सही मान रखा है तो उसके हर एक एक्ट को आप सही वे में देखते हो, अगर आपने किसी को गलत मान रखा है तो उसके हर एक्ट को आप गलत वे में देखते हो। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। तो दोस्तों पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल करें और इस पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से अपने परसेप्शन को पॉजिटिव बनाएं और परसेप्शन पॉजिटिव बना के अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव बनाएं। जैसे ही आपका इमेजिनेशन पॉजिटिव बनेगा, ये आपके जीवन में जो रुकावट आ रखी है, जो आपके जीवन में जो डर है, उस डर को हटा दे। दोस्तों जो पॉजिटिव इमेजिनेशन है वो एक्सेलरेटर की तरह है जो आपकी जिंदगी की गाड़ी को एकदम स्मूथली आगे बढ़ाता है। जो नेगेटिव इमेजिनेशन है वो ब्रेक की तरह है जो आपकी जिंदगी की गाड़ी को रोक देता है। तो दोस्तों अपने बिलीफ सिस्टम को सुधारें, आपका परसेप्शन सुधरेगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। वो दोस्तों पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए पॉजिटिव जहां जहां आपको मिल सकता है रियलिटी को जानने की कोशिश करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों की जीवनियों को पढ़ें जहां से आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे। और एक बार पॉजिटिव थॉट से कुछ नहीं होगा, बार बार वो थॉट आपके दिमाग में जाए, उससे उसकी प्रैक्टिस होगी, उससे आपकी हैबिट बनेगी और उस हैबिट से ही आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब दोस्तों ये एक जानकारी मैंने आपको दी, ये जानकारी आपको शायद समझ में भी आ गई होगी, लेकिन ये जानकारी अभी आपके किसी काम नहीं आएगी। जैसे मान लो कि मुझे कार चलाना नहीं आता और मैंने आपसे पूछा कि सर कार कैसे चलाते हैं, तो आपने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि सर बहुत आसान है, आप एक गाड़ी लेके आए, उस गाड़ी का गेट खोलिए, उस गाड़ी के अंदर बैठिए, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, क्लच दबाइए, गियर लगाइए, स्टीयरिंग को पकड़िए, क्लच को धीरे धीरे छोड़िए और एक्सेलेटर दबाइए। आपने जानकारी एकदम बहुत अच्छे से बताई, हमें समझ में भी आ गई, लेकिन क्या इस जानकारी से हम गाड़ी चला लेंगे? अगर हमने जिंदगी में पहले कभी भी गाड़ी नहीं चला रखी तो क्या हम गाड़ी चला लेंगे? क्या नहीं चला पाएंगे? क्यों? क्योंकि अभी ये जो लॉजिक जो समझाया गया है, ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल पे है, ये हमारी स्किल में कन्वर्ट नहीं हुआ। हमें इस लॉजिक की कई दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हमें ये गाड़ी सीखने वाला जो लॉजिक है इसकी प्रैक्टिस हम डे टू डे लाइफ में करते जाएंगे, वैसे वैसे हम गाड़ी को सीखते जाएंगे। गाड़ी कैसे चलाना, हर दिन हम सेम एक्ट को यूज कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है, प्रैक्टिस होने से हमारी हैबिट्स बन रही है, हैबिट होने से गाड़ी चलाने का जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इट मींस हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता जा रहा है, हमारा बिलीफ सिस्टम बनता जा रहा है कि हम गाड़ी चला सकते हैं। अब ये जो जानकारी है, जब इसकी 15, 20 दिन, महीना, दो महीना, चार, छह महीने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो गाड़ी चलाएं, कैसे चलाएं, इसका जो ये लॉजिक है ये हमारी स्किल बन गया, ये हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन गया। अब कोई सी भी गाड़ी हो हम आराम से आसानी से चला लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको स्किल लेवल पर लेके आ गए हैं। दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है जब तक हमारा वो हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं हो जाती। उस चीज को बिलीफ सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 4-6 महीने लगेंगे, तब जाके धीरे धीरे हम इन चीजों को यूज करने लग जाएंगे, ये चीजें हमारे काम आने लग जाएगी, हर वक्त काम आने लग जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस करें ताकि आपका बिलीफ सिस्टम बेहतर बनता जाए और बेहतर बनता जाए। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें और उसके लिए पेशेंस रखें, अपने अंदर धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोई भी चीज एक रात के अंदर नहीं होगी, एक दिन के अंदर नहीं होगी, उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। तो दोस्तों अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, अच्छी इंफॉर्मेशन को बार बार अपने दिमाग में रोटेट करें, उससे अच्छी हैबिट्स बनेगी, अच्छा बिलीफ सिस्टम बनेगा, परसेप्शन अच्छा होगा तो इमेजिनेशन अच्छा होगा, तो आपको किसी भी तरह का डर नहीं सताएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।